सौरभ गंगुली एके दादा वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स, ठीक है। और सुलझा हुआ इंसान, वो जब बात करता है ना तो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म भी अगर वो कर रहा हो ना तो आप बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। उन्होंने अभी पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बात की और इतनी कोई जिसे मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनली बात की है ना। और उन्होंने स्टार्ट ही ये किया कि भैया मेरा जो मैं बात करने लगा हूँ ना उसको डिसरिस्पेक्ट के दायरे में मत लेकर आना। मतलब मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं जलील नहीं कर रहा, मैं जिसे कहते हैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुझे क्रिकेट का टैलेंट वो मरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बात अगर दादा ना भी कहते तो दादा ये हकीकत है, नज़र आ रहा है हमें अपनी आंखों से। दादा ने क्रिकेट खेली हुई है वसीम अकरम के साथ, वकार यूनुस के साथ, सईद अनवर के साथ, सईद अजमल के, नहीं सईद अजमल तो नहीं, सकलैन मुश्ताक के साथ, अब्दुल रजाक के साथ, अजहर महमूद, मतलब हमारी पिछली जो जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। और हमें बड़ी स्टिफ किस्म के कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलते थे। ऐसे ही है एट टाइम्स दादा, शोएब अख्तर फॉर दैट मैटर, एट टाइम्स दादा वो बैटल्स विन करते थे, तो एट टाइम्स ये जो बॉलर या जितने भी मैंने बैटर्स बताए हैं ये उनके और उनकी टीम के अगेंस्ट बैटल्स विन करते थे। उससे पीछे जाएं हमारे पास इमरान खान, जावेद मियां दाद, सरफराज नवाज, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक मोहम्मद, देर आर सो मैनी अदर नेम्स यार। उससे पीछे जाएं तो फजल साहब, कारदार, ओ माय यार, वो आप ना कारदार साहब और फजल साहब, इन ये जब इंग्लैंड गए थे ना तो आप वो ना इंग्लैंड के मीडिया ने जो उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे वो पढ़े कभी यार, आपको तो रोना आ जाएगा भाई। आपकी हालांकि जुमा जुमा 8 दिन आपको टेस्ट क्रिकेट में पैदा हुए नहीं हुए थे और वो तारीफ़ों के पुल आप ये बांधते थे कि यार क्या टीम है, और अब देखिए आप, आपके पास ना बैटिंग है ना बॉलिंग है ना आपके पास कोई जेन्युइन ऑलराउंडर आपको मिल रहा है, आपके पास टैलेंट जो है वो आई रियली डोंट नो कि वो कहाँ पर है। मुझे लगता है कि वो रॉ टैलेंट है और वो छुपा हुआ है कहीं, वो एक्सीडेंटली कोई सामने आ जाए तो आ जाए, क्योंकि चैनल ही नहीं है कोई प्रॉपर उस टैलेंट को, रॉ टैलेंट को उठाकर पॉलिश करके इंटरनेशनल टीम में लाने का। तो दादा ने वही सारी बातें की हैं। और दादा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आपकी लेगेसी है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हर जनरेशन को अपने खुद के हीरो पैदा करने पड़ते हैं मैच जीतने के लिए। लेगेसी ग्राउंड के बाहर होती है, ग्राउंड के अंदर आपके पास्ट में जितने मर्जी हीरोज थे, ग्राउंड के अंदर आप 11 को जाकर क्रिकेट खेल कर जीतनी पड़ती है। आपको कोई मैच इस बात के ऊपर तो तोहफे में नहीं दे देता कि नहीं तुम जीत गए हो, तुम्हारे पास इमरान खान थे, तुम्हारे पास सईद अनवर थे, क्या कमाल ओपनर थे, तुम्हारे पास दुनिया का तेज़ तरीन गेंदबाज था, उससे ज़्यादा तेज़ गेंदे किसी ने की नहीं है, शुएब अख्तर, तुम्हारे पास वसीम अकरम जैसा मैजिशन था, तुम्हारे पास सकलैन मुश्ताक जैसा मैजिशन था, तुम्हारे पास वकार यूनुस जैसा टो क्रशिंग बॉलर था। ग्राउंड के अंदर सरकार आप हैं 11 और अगले 11 हैं, वहीं पर आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है, जो जीता वही सिकंदर। तो दादा ने एक तो ये बात की और प्लस उन्होंने जैसे उन्होंने मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि हर जनरेशन को अपने हीरोज़ या अपने आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स बनाने पड़ते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि वो मैचेस जीते हैं। दादा कहते हैं मैंने पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में देखा, वेस्ट इंडीज़ में मैंने उनको वर्ल्ड कप में देखा, इंडिया के अंदर, अब मैं उनको देखता हूँ बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो सीरीज़ हारे हैं, तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि यार इनके पास टैलेंट नहीं हो पा रहा, ये वो जेन्युइन टैलेंट नहीं पैदा कर पा रहे जो किसी ज़माने में इनके पास होता था। और दादा ने ये भी बात की है कि जो ये क्रिकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको इस चीज़ को देखना होगा, उनको डेफिनेटली इस चीज़ को देखना होगा, वो जितने भी लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको पाकिस्तान के लिए निकलना पड़ेगा, आगे पीछे टैलेंट हंटिंग, प्रॉपर आपका सिस्टम जिसे कहते हैं आप उसको मॉडिफाई करें यार, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप दुनिया की क्रिकेट, दुनिया जिस लेवल की क्रिकेट खेल रही है हम उससे बहुत पीछे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत पीछे हैं। और पिछले 2-2.5 साल में तो यार हमारी टीम जो है ना वो बतदरीज गिरती 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 रही है, और एक साल अगर पिछला हम देखें तो वो तो डिज़ास्ट्रस रहा है हमारी क्रिकेट में, एक साल डिज़ास्ट्रस रहा है हमारी क्रिकेट में। और उस पिछले एक साल में हमारी क्रिकेट तबाह बर्बाद होकर रह गई है, हमने किसी लेवल के ऊपर कोई ढंग का काम नहीं किया,
हम चेयरमैन पीसीबी से रिलेटेड अभी तक समझ नहीं हमें आती किसको बनाएं किसको ना बनाएं। एक क्रिकेटर को भी बनाकर देख लिया, ब्यूरोक्रेट्स को भी बनाकर देख लिया, हम कुछ नहीं निकाल पा रहे, कुछ भी नहीं। तो भाई आई डोंट नो यार, हमारी क्रिकेटर वाइफ कैसे करेगी। हम वो दुआओं के ऊपर ही चलते हैं, लेकिन बात वही है कि जब करतूत ऐसे हों, ठीक है, गुनाहगारों वाले, तो फिर यार दुआएं भी तो फिर ऐसे तो नहीं ना कबूल होती। कुछ पल्ले तो होना चाहिए ना, कोई वास्ता, कुछ कुछ तो बंदा देता है कि ये किया था, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे किसी भी एंगल से। अजीब एक जिसे कहते हैं ना भाई साहब, भसड़ का सा माहौल बना हुआ है हमारे मुल्क में हर तरह से। बट रियली डोंट नो कि इसमें से हम कैसे निकलेंगे। सीरियसली स्पीकिंग, क्रिकेट का अलग से बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, बाकी चीज़ें भी आपके सामने हैं। वो हालांकि मैंने हर्षा भोगले का एक इंटरव्यू देखा, राशिद लतीफ़ भी बैठे हुए थे उसमें, डॉक्टर नुमान भी थे। तो हर्षा भोगले का ना जो जो उनकी फिलॉसफी थी ना, वो भी मुझे काफ़ी हद तक अपील की। ही सेड कि यार उनका ये मानना था कि मुल्क की इकॉनमी का डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है क्रिकेट टीम के ऊपर। उनकी ये फ़िलासफ़ी है हर्षा भोगले की, आप उससे इतराज़ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं ये और चीज़ है। मुझे लगता है कि हाँ सम वेयर डाउन द लाइन ये बात ठीक हो भी सकती है। एटलीस्ट अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हिसाब से देखूँ या पाकिस्तान के अवाम के हिसाब से देखूँ, तो मुझे समझ में आती है। पाकिस्तान की अवाम को और बड़े प्रॉब्लम्स का सामना है उसके ऊपर, वो क्रिकेट टीम की तरफ जब देखते हैं तो वहाँ पर भी कोई कुछ नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान की अवाम ने काफ़ी हद तक डिसोन कर दिया अपनी क्रिकेट टीम को, और वो क्रिकेट टीम क्या ही पट लेगी ग्राउंड्स के अंदर जाकर जब उसको अपने ही लोगों ने डिसोन कर दिया। 50, 60, 70, 80, 90, 100 बंदों का मजमा किसी क्रिकेटर के सामने अगर हाय हाय कर रहा है, तो वो उसका फ़ैन क्लब तो हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस की असल नुमाइंदगी नहीं है वो। ये बात याद रखिएगा, 25 करोड़ आबादी है इस मुल्क की। आप कह रहे हैं कि 100 बंदा अगर मैच देखने आ गया या अपने फेवरेट प्लेयर को देखने आ गया और उसका नाम ले लेके नारे मार रहा है, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस अभी भी अटैच्ड हैं अपनी क्रिकेट से। सरकार आप ना बहुत ही किसी नेरी वादी में उतरे हुए हैं, फिर आपको ना पहाड़ चढ़ के सूरज की तरफ आने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं होता सर, आपकी आपके क्रिकेट फैंस आपको डिसोन कर चुके हैं, आपके अंदर आपकी आपके मुल्क में टैलेंट का अलग से काल पड़ा हुआ है, और वो मुझे लगता है कि उसमें एक मेजर रीज़न सिस्टम की नाहली है। तो फिर दादा की बातों में वजन तो है, आई टोटली एंडोर्स हिम, और वो बात ठीक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। चलो अल्टीमेटली फिर मैं भी वो यही कहूँगा यार, अल्लाह मालिक है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।